GSR Film presents. हेलो, किसे कह रहा है हिलने को? तू हिल भाई? अंकल जी, मैं हिलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ राम सिंह अंकल जी का घर कहाँ पे है। तुझे अंकल दिख रहा मैं? अभी तो मेरे दूध के दांत में टूटते। सॉरी सॉरी कहिए अपने घर वालों को जाकर। क्या बात होगी, क्यों उड़ा जरा इसको गलत है भाई साहब? मैं लजनी राम, मैं तो पूछ रहा राम सिंह जी का घर कहाँ है। अरे भाई सीधी बात कर। अरे चुप कर, तुझे रामे का घर ही तो जाना। जी रामे का ना, मुझे राम सिंह के जाना। ऐसा करिए सीधा जाकर, और जो इंगे ना मुड़ के जो बड़ा घेरा होगा वो रामे का, मेरा मतलब राम किशन का ही घर है वो। ओके थैंक यू। राम राम भाई, राम राम। बैठ, कौन है तू? मैंने पहचाना नहीं तुझे। पहचाना नहीं? मैं आपका भतीजा राकेश। अच्छा राकेश, जब देखा था तू जब नंगा खिजा कर था। आज भी आप कुछ ही पहुंच जाओ। रामवती, यह तो सुनने की निंदा करने में रोई ठोक रखी। रामवती के बॉस है, दूर के तारा जा रहा है बखत। इसे पहचाना भाई को? राम राम। अरे बेटा राम राम जी तारो, मैंने पहचाना नहीं बेटा तुझे। ले तुम बिना पिछाने में आपका भतीजा राकेश हूँ। अरे अरे बैठ जा बेटा। अरे मैंने तो तुझे छोटे से देखा था, सिर्फ चार था। अरे चाची तू चाचा जी क्यों आपके निकली बेटा? और सब घर रहा सब राजी बस, आशीर्वाद आप लोगों का। अच्छा बेटा बेटा चल, सफर तो आया, हाथ मुंह धो दे, तू थक गया होगा। काम मुझे को जिसके रहा खाने पीने का इंतजाम कर। पूनम ने दिखी कहाँ है? होगी कहाँ, तू अपनी सैंडी के दौरा होगी उसके रानी के। पूनम? हाँ तेरी छोटी बहन, भूल गया? क्या है, मुझे कुछ भी कहती रहती हूँ शैतान। सारा भी ठंड हो जावे, कुछ ना घर का इल्ला भी देख लेकर। अरे माँ, मैं घूमने फिरने थोड़ी जाती हूँ, मैं तो रानी के पास पढ़ने जाती हूँ। वो पढ़ने में तेज है ना, और उसके साथ पढ़ने में मुझे भी मजा आता है, और तुम्हारे ट्यूशन के पैसे भी बच जाते हैं, है ना? जा घनी जुबान ना चलावे, रोटी टूप का भी इंतजाम कर ले अपने भाई के लिए। भाई? भाई कहाँ से आ गया आसमान से टपका के? यो राकेश है तेरे तो घर वाला, जिसके नाम तू छोटी सी खेलती फिजा कर। मैंने तो याद ना। जा बातें कम कर, खाना बना ले। खाना तो हम भी खा लेंगे। अरे बाप ने भंडारा खोल रखा, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, सेवक समाज के। अरे ये कौन है, इसने कहीं पहले देखा ही नहीं गाँव में। ये मेरा भतीजा राकेश है, और बेटे यो डिप्टी है, और यो है कलेक्टर। बच्चा, अरे बच्चा, ये दिक्कत उठे नहीं सुबह सुबह। अरे क्या बात है, कौन है भाई, सुबह सुबह रुका तारे? क्या बात है भाई, तू तड़के तक तारे रुका तारे? क्या काम था चाचा से? क्या रोटे चाची? चाचे मैं रहा था। क्या कहा था? फिर राजे को खेकर गांव दिखा दियो, इसलिए भाग गए। अच्छा तो ये बात है, फिर नो कहते भाई। चलो अभी उठाती हूँ, सो रहा राकेश। अब देख तू उठे गए नहीं, क्यों कलेक्टर चले? देख लो मेरे बेटा टाइम। राकेश है? ओ राकेश है, उठे बेटा, देखिए वो आया गुलाम तेरे पास। अरे उठिए राकेश। देख डिप्टी कलेक्टर आया तेरे को बुलाना है, उठिए बेटा। क्या उठ जा, खेत में चला जा, जा काम ढूंढे, देखे सांप बच गए, उठ ले बेटा। काले लाखो मैंने मच्छरों का नहीं भाई तेरी नींद नहीं उतरी उतरी का बोलो। चल तू जा गाँव और खेत दिखाओगे। चल 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 सवेरा यार तुम पे। चल 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 बेटा, कैसे अब सवेरा आ रही है जल्दी से ही।
भाई जरा ध्यान से ले आइयो, पहली बार आया ना। राकेश कैसा लगा हमारा गांव? गांव सारा वाकई बढ़िया भाई। कोई फूल झड़ी ना दिखाई दी? ओ फूल झड़ी भैया समाज से। अरे यार ये तो कभी कभार हो जावे। हाँ मुझे गांव दिखाने का बहाना। अबे योगेश तुमने खेत किसका भाई? यो तेरे चाचा का। अच्छा और भाई योगेश का? यो वो खेत है जिसका पूरे गांव के लड़के मरते आए हैं। वैसी क्या बात है, जो सारे गांव के लड़के उसी को मरे? देखेगा तो पागल हो जाएगा। फुलझड़ी का खेत है, फुलझड़ी का वो तो अरे करे को मुंह ही लगाती है। मतलब उसके मुंह लगोगी क्यों भाई, अपने काम में मस्त रहो। अरे यार वो काम ही तो निकल रहती है भाई, तेरा हाथ पकड़ लाया वो। अरे दिन रात में सोते जागते वही तो दिखाई देवे। ऐसी बात है, तू देख लेगा तू ही पागल हो जाएगा। अरे अपना काम करो, जाएगा पागल हो जाएगा। चलो कौन है और बंदूक का क्या कर रहे हो? शिकारी है क्या? इसे यो नहीं पता कि सलमान खान भी शिकार खेल रहा था और खुद ही शिकारी बन गया। सरकार ने इसकी ऐसी तेजी पैदा रख दी। अरे शिकारी ना आयो तो और कौन है भाई? चल नहीं बताते तो हम इसी से पूछ लेंगे। थम भाई थम, ये सलीम तौलिया है, इसके यहाँ कहीं आदमी होंगे, अगर सुन ले तो इन्हीं के नाम तुम लड़वा देंगे। ऐसी क्या भाई इतना वो है? अरे ये बूढ़ी आल है, इसका बाप तो इससे बहुत बड़ा बूढ़ी आल था। इसने राजेंद्र के परिवार को ना जिंदा जला दिया, जिंदा। और ये तेरे चाचा ने जाके पुलिस में गवाही दी थी, और जब से ये उसे मारने को दो है मारने को। ऐसा क्या भाई? अरे तेरा तो मैं पता ही नहीं, तो के राम सिंह का भतीजा है। अरे तुझे तो इतना पहला खंडा मजा देता, और तेरे लारे में हम भी। अच्छा तो ये माज रहा है, तो ऐसा ना कर लो, इधर पूरे गांव के आदमी इकट्ठे होगा मार लो। अरे गांव का तो गांव का, इधर कानून का भी दुश्मन है। चल चल यार चल, अपना काम कर, जिस दिन पंगा पड़ गया ना उसे देखो कौन सा गांव वाला क्या क्या बोल ले। चल चल यार चल चल यार। देख तो क्या शिकार आ रहा है, शिकार खाने में तो बड़ा मजा आएगा। हट जा, नहीं तो चप्पल मार के थारे मुंह तोड़ दूंगी। अरे हटने के लिए थोड़े देर रास्ते में आए हैं। शर्म निहारी, अपने गांव की बेटी को छेड़ रहे पार्टी देख रहे हैं। मैं कह रही हट जा, नहीं तो मैं रुक के तार का गाँव वालों को इकट्ठा कर लूंगी। जितने रुक के तार में देखता हूँ कौन जाता है गाँव वाला। मेरा हाथ छोड़, अरे यू क्या हो रहा? अरे जो हो रहा हो दे, उधर मत देख। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है कि ये सलीम तोलिया के आदमी है, और आज लड़की के चलते उठ के रहेंगे और वो कुछ नहीं कर पाएगा। लानत है तुम सब पर, तुम गांव वालों पे। एक लड़की की चतुर उठा रहे हो, तुम खड़े देख रहे हो आज से। मैं तो जा रहा, तुम्हें चलना चलो, वरना मैं तो जा रहा, तुम खड़े तमाशा देखो। चलो भाई कलेक्टर, हम भी चलते हैं। राकेश तूने तो आज का कमाल कर दिखाया। तुमने मेरी इज्जत बचाकर मेरे पे बहुत बड़ा एहसान करा, थारा ही उपकार मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। ऐसा मैंने क्या कर दिया
ये तो हर इंसान का फर्ज हो वैसे एक नारी की इज्जत बचाने का। अरे तुम कहाँ के रहने वाले, क्या गांव में तो तुम्हें कहीं नहीं देखा? रानी और अम्मा का नाती जाए और राकेश नाम है उसका। अच्छा, पर तुम कहाँ की रहने वाली हो? हमारे गांव की। चलो मुझे बहुत देर हो रही है, पापा बात करता होगा। अब राकेश तुझे क्या हो गया? राम जादव, पूरे गांव में मेरी नाक कटवा दी, एक लौंडे से पिट कर चले। सलीम तोलिए की तरह आवाज तक कोई आंख उठाकर नहीं देख सका। कौन हो? सरदार हम नहीं जानते उसे, हमने कभी पहले नहीं देखा उसे। सलीम भाई मैंने पता निकाल लिया उसका। कौन है वो? कौन है? तुम्हारे दुश्मन राम किशन का भतीजा राकेश। राकेश? राम किशन का भतीजा राकेश? जब गीदर की मौत आती है उस शहर की तरफ दौड़ता है, और वो तो सीधा गांव की तरफ दौड़ाया। अब राम किशन से बदला लेने में और भी मजा आएगा। घूमया भाई राकेश? हाँ जी घूमया। कैसा तो यहाँ गाँव का माहौल भाई? चाचा गाँव तो बढ़िया लगा, पर यहाँ का पर क्या बेटा, जब हमारा काम पसंद नहीं आया? वो गांव का माहौल तो कुछ ठीक सा ना लगा। क्यों, ऐसी क्या बात है हमारे गांव में? वो दो गुंडे आज जब हम घूमने जा रहे थे ना चाची, तो वहाँ से एक अकेली लड़की को परेशान कर रहे थे। अगर हम तीनों ना देखते आज पता नहीं लड़की का क्या करते। अरे बेटा राकेश, उन्होंने तुझे तो भी कुछ किया? तुझे नहीं पता वो ना हो गए सलीम के गुंडे हो गए, उन्होंने पूरे गाँव का नाक में दम रखा। हाँ बेटा, आजकल सलीम के गुंडे तो गांव के बेटे की इज्जत बचानी भारी हुई। देख बेटा राकेश, जो हुआ सो हुआ, उसे तो भूल जा, ये सोच के तुमने कुछ अपनी आंखों से देखा ही नहीं। अगर तेरा बेटा कोई पूछे राकेश तो साफ साफ मना कर दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। मना मना कैसे कर देगा यो, उन्हें तो ऐसी धुलाई करी जैसे धोती भी नहीं कर सकता। सच्ची? हाँ। हाय बेटा राकेश, तुमने यो क्या कर दिया, तुमने तो उनसे दुश्मनी ले ली। चाची तू तो बेकार में डर रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए बहुत हो रही, इसे डरावा ना, घर में बैठो। माँ मैं रानी के घर जा रही हूँ पढ़ने को। जा जा तो रही, जल्दी आना। ठीक है जल्दी आ जाऊँ। पूरन कहाँ जा रही तू? मैं तो रानी के घर पढ़ने को जा रही हूँ। ओ तेरे पास अंग्रेजी की डिक्शनरी है? मेरे पास तो नहीं है, पर तने की जरूरत पड़ेगी। वो एक फॉर्म भरना अंग्रेजी का मुझे। ऐसा कर तू मेरे साथ चल, रानी के पास है। तो एक मिनट रुक, तुम कपड़े चेंज कर आ रहा हूँ, जल्दी आई हो। जल्दी आ भाई, जल्दी आ जा भाई, जल्दी आ, कहाँ रह गया तू भी ना, बस मुझे भी देर करेगा। राम राम सर। राम राम बेटी जी। नमस्ते जी। नमस्ते भाई। ये कौन है बेटी? ये मेरा भाई है, चचेरा भाई। अच्छा, आज ही आया है गाँव। अच्छा ठीक, अच्छा जी। दे रानी कहाँ है चाचा? रानी? रानी यही अंदर तो थी कमरे में। ए रानी, रानी। हाँ बापू। ये देखिए तेरी सहेली आई पूनम, आइए बेटे, जाओ बेटे जाओ, चलो जाओ। पूनम तू कब तो तेरी बाट देख रही थी, इतनी देर कर दी। मुझे एक बात बतानी थी तुझे। क्या? तम अरे यहाँ तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानो? कल इन्होंने मेरी सलीम तोले के गुंडों से इज्जत बचाई। गुंडों से? हाँ चला अंदर बताती हूँ। मुझे तो नहीं बताया। अरे हम भी आ सके? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें के मनाई है। हाँ हाँ ये बात तो ठीक है। और बता एक बात बता,
क्या तेरे दोरे अंग्रेजी की डिक्शनरी है? हाँ डिक्शनरी तो है, पर तुझे क्या जरूरत पड़गी? मुझे ना चाह। फिर इसे चाह। क्यों? इसकी नौकरी का फार्म भरना है, एक दो शब्द समझ नहीं आ रहे अंग्रेजी के। तो की बात होगी, तब मुझे दिखा दो फार्म, मैं भरवा दूंगी। नहीं नहीं तुम डिक्शनरी दे दो, मैं खुद पढ़ लूं। चलो कोई बात नहीं, अच्छा डिक्शनरी तो दे दूंगी, पहले तुम ये बताओ कि तुम चाय पियोगे कि लस्सी पियोगे, क्योंकि तुम पहली बार मेरे घर आए हो। मन ना पी नहीं इससे पूछ ले। नहीं नहीं चाय लस्सी कुछ ना, तुम चलेंगे। ऐसे कैसे चलोगे, पहली बार तुम हमारे घर आए हो, कुछ तो पियोगे कि नहीं पियोगे? पर जो थारी मर्जी में वो पिला दो। चलो अच्छा मैं भी आती हूँ। अब तो चाय भी रानी की पसंद की पिएगा, मैं कहा मेरी पसंद की पी लेता। चलो ये लो ले भाई। अच्छा पूनम मैं जा रहा, तुम आती रहिए पढ़ रहे। भाई तू बड़ी किस्मत वाला है जो तुझे रानी ने डिक्शनरी दे दी, वरना ये तो किसी को घास भी नहीं डालती। नहीं नहीं जब आप लेकर जा रहे हैं तो डिक्शनरी भी आप ही देने आओगे। जीवो 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 क्या और क्या, सही है क्यों पूनम? ठीक है ना भाई, जो सामान लेके जाएगा वो लौटाने आएगा। जीवो जब ऐसी बात है तो कल मैं ही पहुंचा दूंगा डिक्शनरी। और क्या जब तुम लेके जा रहे हो तो तुम्हें लौटाना ही हो, क्यों पूनम? ठीक बात है। अच्छा बात है, मारा भाई पसंद आ गया दिखे। तू भी फालतू बकवास करती रहती है, चल पेपरों की तैयारी करते हैं। जो आ गया भाभी जी। अच्छा भाभी की बच्ची है। लो ये खड़ा ही हो, सारा गांव ढूंढ मारा यू यहाँ खड़ा। यहाँ का खड़ा के धार काट रहा। तुम कब आए? मैं 20 साल 3 महीने 20 दिन पहले आया। मैं तेरे से ये ना पूछ रहा, उम्र ना पूछ रहा, ये बता यहाँ कब आए? हमें आए बहुत देर हो चुकी, तू यू बता तो नहीं किसी ख्याल में खो रहा? ख्यालों में किसी का ना खोया, बस ऐसे आ गया था मन बहलाने के लिए। तेरी जगह से लग रहा है मुझे, लगे किसी ने तुझे हलाल कर दिया। हलाल नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। बता दे यार। बताऊं? नटखट सी छोरी क्या कमाल कर गई, नटखट सी छोरी क्या कमाल कर गई, नैनों के तीर से हलाल कर गई, नैनों के तीर से हलाल कर गई, नटखट सी छोरी क्या कमाल कर गई, नैनों के तीर से हलाल कर गई, नैनों के तीर से हलाल कर गई। लंबे लंबे बाल उसके गाल गुलाबी, गोरा गोरा रंग उसका नैन शराबी, लंबे लंबे बाल उसके गाल गुलाबी, गोरा गोरा रंग उसका नैन शराबी, जीवन में मेरे आए हाय, जीवन में मेरे क्या धमाल कर गई, नैनों के तीर से हलाल कर गई, नैनों के तीर से हलाल कर गई, नटखट सी छोरी क्या कमाल कर गई, नैनों के तीर से हलाल कर गई, नैनों के तीर से हलाल कर गई। मैं राजा हूँ वो रूप की रानी, उसकी अदा है यारो बड़ी मस्तानी, हाय दिल का मैं राजा हूँ वो रूप की रानी, उसकी अदा है यारो बड़ी मस्तानी,
दिल मेरा लेके आए हाय, दिल मेरा लेके वो कंगाल कर गई, नैनों के तीर से हलाल कर गई, नैनों के तीर से हलाल कर गई, नटखट सी छोरी क्या कमाल कर गई, नैनों के तीर से हलाल कर गई, नैनों के तीर से हलाल कर गई। दिल प्यार प्यार मैं क्या जानू, उसको ही दिल से मैं अपना मानू, हाय दिल विल प्यार प्यार मैं क्या जानू, उसको ही दिल से मैं अपना मानू, नजरे मिला के मुझसे नजरे मिला के वो निहाल कर गई, नैनों के तीर से हलाल कर गई, नैनों के तीर से हलाल कर गई, ओ छोरी नटखट सी छोरी क्या कमाल कर गई, नैनों के तीर से हलाल कर गई, नैनों के तीर से हलाल कर गई, नैनों के तीर से हलाल कर गई। देख। यही नहीं क्या हो रहा है, ये तुम्हें क्या हो गया है जो बंदरों की ढाल उछलने लग रहे हो? तुम जैसी बंदिया को देखते बंदर की ढाल नहीं चलते क्या करेंगे? हम तुम्हें बंदरी नजर आते हैं, रुक जा मैं तेरे को बताती हूँ एकदम से। तुम फार्म भर लिया तुमने? हाँ भर तो लिया। फिर पर जमा करने की हिम्मत ना हो रही? भला हिम्मत क्यों ना हो रही? यूँ डर सा लगा है कभी मेरा फार्म खारिज ना हो जा। लो बिना भेजे बगैर खारिज की कर हो जाएगा? अरे ऊपर वाले के हाथ बहुत ताकत हो, पर इंसान को हिम्मत तो करनी चाहा कि नहीं चाह? और के ओ रानी घर नहीं चलना क्या? माँ इंतजार कर रही होगी हमारा। हाँ चल बात है, क्या बात हो रही थी? आराम चलो, चार दिन हो गए तुम राकेश का पता नहीं लगा सके। भाईजान क्या करें जब वो हमें अकेला नहीं मिल रहा? चुप, तुम जरा निकम्मे हो गए हो। अब ये काम मुझे अकेले करना होगा ताकि गांव वालों के मन से मेरा डर ना निकल जाए। स्वीकार हो जाएगा क्या ना? तुम मेरा एक काम करोगे? कौन सा? वो मेरा फर्म एक बार चेक कर लियो। लाओ ये भी कर लो। ना ना अभी नहीं, जब मैं चला जाऊंगा ना तब चेक कर। क्यों ये भी क्यों नहीं, अभी की परेशानी है तो मुझे शर्म आओगी कभी कोई इसमें गलती हो।
इसमें शर्म की बात। चलो फिर भी तुम जो कह रहे ठीक है, मैं थारे लिए चाय पानी लाऊं कुछ। ना, चाय पानी ना, अब मुझे जल्दी में जाऊंगा, फार्म की टेंशन बनी हुई ना थोड़ी सी। तुम फार्म की चिंता ना करो, फार्म तो फार्म मैं चेक कर लूंगी। हाँ तो बाद में कर लिया। हाँ भाई राकेश, पता नहीं बात ही सुन ले। अस्तम्या। अरे रानी के घर से आ रहा है भाई, क्या बात, कुछ बात आगे बढ़ी नहीं बढ़ी? अरे बात कुछ ना, वो रानी के घर पर डिक्शनरी लेने गया था अंग्रेजी की। कभी तेरे बड़ों ने भी अंग्रेजी पढ़ी? तो बड़ों ना ना पढ़ी हो, पर हम जरूर पढ़ेंगे। अरे भाई से पेट ना छिपा, जल्दी से बता बात क्या है। कुछ बात ना यार। अबे यार अबे जा अपने कपड़े साफ करके आ, पहले फिर बताऊंगा क्या हुआ। ना बता बेटे, हम तो पता करवा लेंगे। पता तो हम लगा ही लेंगे। चल आ यार, आज तो नहाना ही पड़ेगा यार। लाओ इसका फॉर्म चेक कर लेती हूँ। कैसा फॉर्म है? मेरी रानी, मैं अपने प्यार का फॉर्म भरकर तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है, दिन रात चारों तरफ तुम ही तुम दिखाई देती हो। देखो मुझे लेटर वेटर लिखना ना आवे, इसलिए घुमा फिरा के बस बात कर रहा हूँ। रानी मैं तेरे से प्यार करने लगा हूँ। देखो रानी बुरा ना मानियो, हर इंसान को अपनी मन की बात कहने का अधिकार है। इंसान मंदिर में भगवान के सामने मन्नत मांगता है, भगवान उस मन्नत को पूरी करे ना करे, पर भगवान अपने भक्त पर नाराज नहीं होते। इसलिए अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार ना हो तो अपने भक्त पर नाराज मत होना और गलती को माफ कर दो। और अगर तुझे मेरा प्यार स्वीकार है तो मंदिर में आ जाना, अगर तुम ना आई तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं थारे प्यार के लायक नहीं हूं और गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, शायद तुम्हारा राकेश। जनाब ने इश्क का फार्म भरा है, स्वीकार तो अब करना ही पड़ेगा। वारे मेरे भोलू लट्टू। राकेश मुझे तेरे से यह उम्मीद नहीं थी, मैं तुझे एक अच्छा लड़का समझी थी। रानी वो क्या तेरे साथ दो चार बातें क्या कर ली, अपने आप को हीरा समझ बैठा? शकल देखिए कभी अपने आईने में। बड़ा है रिश्ता कराने के लिए, मैं तेरे ब्याह करूंगी। रानी मेरी बात तो सुन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ लगाने की? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मच्छर काट गया। पर रानी तुम कब आई? मैं तो अभी आई। अभी? हाँ अभी। हाँ तो फार्म ऐसे भरा जाता है? क्यों, कुछ गलती आ गया मेरे फार्म में? गलती तो है, पर तुम्हारी तगड़ी सिफारिश आ गई थी। सिफारिश किसकी आ गई? सिफारिश मेरे दिल की। तो मेरी नौकरी पक्की? हाँ। तो मुझे नौकरी में कब जाना? आज ते और इभी ते। इभी ते? भाई ऐसी नौकरी मारी भी लगवा दे। हम भी थोड़ा आट उठ साफ कर लो। माल माल की बात न पूछ रहे। कल सलीम तोलिया आया तो कोई सलीम तोलिया आया मेरे पास आया, बोले भैया मुझे दस्तर लौट रहे, मुझे पकड़े गए पकड़े दे मेरे भैया मुझे छोड़ दे। मैं बोले बेटे तो मरा लाभ लाभ
सलीम तोलिया बेटा कलाम मल गया। कल सलीम तोलिया आया हमारे पास, पहला मैंने बहुत दस्कर रोको पड़ा टाला। रानी तुमने एक बात बता के? अब हमारी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी, अब तुम्हारा आगे का क्या इरादा? इरादा इरादा के होता, वैसे थारा के इरादा है? इरादा के अब तो मैंने सोचू क्यों नाम शादी कर ले। शादी तो कर ले, पर एक बात की दिक्कत है। क्या दिक्कत? दिक्कत यू है कि अभी मैं नाबालिग हूँ। ओए होए नाबालिग है तो? अरे नाबालिग है तो के, जब मेरी तेरी राजी फिर के? अच्छा जी, मेरी तेरी राजी तो कुछ ना होता। बात यू है, अगर तेरा मेरा ब्याह होगा तो थानेदार तुझे हथकड़ी लगा देगा। अच्छा तो तुम वरना हथकड़ी लगवाओगी? अभी बताता हूँ। Yeah!
का बच्चा कैसे मुंह लगा के खड़ा है, तुम तो अपने आप को बड़ा ही पहलवान समझा था। अरे अभी तो सलीम भाई तो मंगा ही नहीं पड़ा था, देखा कुकर भूख लिगड़ गई। देखो मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता। अरे उलझेगा भी कैसे, दिल में सलीम भाई का डर जो ठहरा। अगर मुझे डर है तो सिर्फ अपनी चाची का है, वरना मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अरे चुप तो है ना, चाहे किसी की वजह तो। अरे चल, क्यों बेचारे को परेशान कर रहा है। अरे परेशान तो होगा ही, चाचा के हत्यारे का जो पता चल गया, और सलीम भाई का भी कुछ ना बिगाड़ सका। अरे लावर है साला। Oh, my God.
लगता है हमें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या वक्त है आप जाने की कौन सी आफत आ पड़ी? सलीम भाई देख राकेश ने मार मार कर हमारी क्या हालत बना दी। राकेश ने लगता है उसकी चाची ने समझा नहीं। सलीम भाई पता नहीं उसकी चाची ने समझा के नहीं, अब तो उसे देख के ऐसा लगता है कि और भी खतरनाक हो गया है। भाई एक रास्ता है जिसकी वजह से राकेश यहाँ खुद पर खुद दौड़ा चले आएगा। रास्ता कौन सा रास्ता? सलीम भाई उसकी से उठा लो। क्या उसकी चाची को उठा ला है? सलीम भाई उस बुढ़िया को उठाकर क्या करेंगे? अरे उठाना है तो उसकी महबूबा रानी को उठाओ, बड़ी चटपटी है उस्ताद। तो ठीक है उसी का उठा लेते हैं। चलो चाचा भी ऐसा फड़फड़ा रहा था। ठंडा कर Thank you.
निकालता हूँ हेगड़ी। मुझे आपको मजबूरन गिरफ्तार करना पड़ेगा। सलीम तौलिया को मारकर आपने कानून की बहुत बड़ी मदद की है, इसलिए कानून से विनती करूँगा कि आपको सजा बहुत कम से कम।
चाची मेरी आपसे रानी का और राकेश की शादी हाँ इच्छा मेरी भी है। राकेश बेटे ने मेरी रानी बेटी की इज्जत बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मिलाना हाँ ये दिल है जी तेरा दीवाना, तुझसे दिल को लगाना है, अजी तुझको ही अपना बनाना है।